Welcome back to Shiksha Science Academy. Today we are going to start a new topic of chemistry, that is metals and nonmetals. Okay, so let's start this topic with the differentiation between the metals and nonmetals. Let me write that metals in one side and nonmetals in one side. Metals and nonmetals. Generally, the question comes in your examination that what is the difference between the metals and nonmetals? Metals and nonmetals के बीच में क्या difference होता है? ये question आता है generally, और the students get confused that what to write about metals and what not to write about the metals. तो सबसे पहले suppose if I am having a phone in my hand, no doubt if I ask you that ये phone metal है या nonmetal है, तो यू विल से सर इट इज़ अ मेटल. सो आई विल से दैट येस इफ इट इज़ अ मेटल, अगर ये पूरी तरीके से मेटल है तो इस चीज़ को हम कन्फर्म करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों को कन्फर्म करना चाहेंगे. पहला, इफ इट इज़ अ मेटल ऑब्वियसली इट विल बी हार्ड इन नेचर. ओके, तो दैट फर्स्ट पॉइंट आई एम राइटिंग दैट मेटल्स आर जनरली hard in nature, or in short you will say that they are incompressible. Again, there are many points in between this which you are not able to see, but I'll explain. मतलब इस सेंटेंस पे बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो शायद मैंने नहीं लिखी हैं, और एक्चुअली मैंने नहीं लिखा है, लेकिन स्टिल वहां पे है. लाइकवाइज क्या क्या बातें. पहला, इफ आई एम सेइंग कि ये मेटल हार्ड है, अगर ये हार्ड है तो अगर इसको हम कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो आई वोंट बी एबल टू कंप्रेस इट. रीजन बीइंग व्हाट, देयर मस्ट बी द पार्टिकल्स वेरी क्लोज टू ईच अदर. पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोजर होंगे एक दूसरे से. अगर पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोजर एक दूसरे से तो उसका डेंसिटी हाई होगा. इफ इट्स डेंसिटी इज हाई, इट मीन्स द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजर टू ईच अदर. पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज होने वाले हैं. सपोज ये एक सॉलिड क्रिस्टल है तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा ही क्लोज होंगे. तो देखो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत ज्यादा होगा. दे विल हैव हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन देम. इवेंचुअली यू कैन से दैट कि इनका जो मॉलिक्यूलर स्पेसेस है, इंट्रासेलुलर स्पेसेस है, वो बहुत कम होगा, तभी तो डेंसिटी हाई है. किसी भी सब्सटेंस का अगर डेंसिटी ज्यादा है मतलब पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत क्लोज है. भाई ऐसे देखो ना, ये देखो, लाइकवाइज इसका वॉल्यूम अगर बहुत ज्यादा है तो इसके बीच का डेंसिटी बहुत कम है. लेकिन अगर मैं इसके वॉल्यूम को कम करके इसके पार्टिकल्स को क्लोजर ले आऊं तो बहुत सारी चीजें हुई. लाइकवाइज इनका मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, इनका इंट्रासेलुलर स्पेसेस क्या हो गया, घट गया, और इनका डेंसिटी बढ़ गया. इस हाथ को प्रेस करना ज्यादा आसान है या फिर इस हाथ को प्रेस करना ज्यादा आसान है? ऑब्वियसली इस हाथ को, इसको कम. तो यस वी कैन से दैट इट इज हार्ड इन नेचर. फर्स्ट, अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें सो दे आर जनरली सॉफ्ट. नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट टू बी क्लियर. सेकेंड पॉइंट इफ आई से दैट If the particles are very closer to each other, density बहुत ज़्यादा है, तो ये density वाली बात हम यहाँ पे लिखने वाले नहीं. Okay, अगर if it is a metal, तो ये थोड़ा सा shiny है. I am able to see my face on the back side of this phone. सामने तो नहीं दिखे, because सामने से glass है और glass को conductor नहीं होता, metal नहीं होता. अगर इसके पीछे वाले सरफेस पे देखते हैं तो ये metallic luster show करता है. तो we can say that the metals have shining surface, that is, it has luster. Non-metals क्या होंगे? Non-metals are dull in appearance. Whatever you are writing, you are supposed to write the opposite in that of the nonmetals.
ऐसी चीजें मुझे याद है. थर्ड पॉइंट अबाउट द मेटल चिप राइट लेट मी दिस फर्स्ट. First point that I have written that the metals are generally hard in nature. Second point that I have written is that metals are having shiny surface. Okay. Third point that I can write that metals are generally malleable in nature. Metals are generally malleable. I hope आप लोगों को malleability का मतलब पता होगा. That it can be drawn. It can be beaten into thin sheets. It can be beaten into thin sheets. Okay. Metals are also ductile in nature. Means it can be drawn into thin wires. It can be drawn into thin wires. Is that clear? इन दोनों पॉइंट की जगह आप एक ही बात लिखोगे that non-metals are brittle in nature. ब्रिटल समझते हो? लाइकवाइज अगर आप उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो आराम से टूट जाएगा, तो वो ब्रिटल हो जाएगा. अगर आप उसको मेलिएट करने की कोशिश करेंगे तो वो मेलिएट नहीं होगा. आप उसे डक्टाइल करने की कोशिश करेंगे तो भी वो डक्टाइल नहीं होगा. क्लियर है? तो ये वो प्रॉपर्टी उनमें नहीं होती है. क्लियर है? कुछ और बातें करने की कोशिश करेंगे. That अगर पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजर इन metals, metals में अगर particles बहुत ज्यादा क्लोजर होंगे तो they will be good conductor of electricity. metals are good conductor of heat and electricity. And when we talk about the non-metals are generally poor conductors. Non-metals are poor conductors or you can say insulators. Metals are generally hard in nature, so metals normally solid bhi honge. Isn't it? लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स भी होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट पर रहते हैं. एक्सेप्शन है, कौन सा नाम बता दो? एनीवन? मर्करी. मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर. मेटल्स आर व्हाट? सॉलिड इन नेचर एक्सेप्ट मर्करी व्हिच इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. वो रूम टेम्परेचर पे क्या रहता है? रूम टेम्परेचर समझते हो ना कितना टेम्परेचर होता है? लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. और नॉन मेटल्स देखा जाए तो वो तीनों ही फॉर्म में होते हैं. ठीक है? नॉन मेटल्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर are in gaseous state. कार्बन जो होता है वो क्या होता है? कार्बन इज इन सॉलिड स्टेट. भाई कार्बन के बहुत सारे आइसोटोप्स. ठीक है? जैसे आपका डायमंड है, ग्रेफाइट है, ऑल दीज आर व्हाट? नॉन मेटल्स ओनली. बकमिंस्टर फ्लोरिन भी है और वो क्या होता है जनरली आपका सॉलिड इन नेचर और बहुत हार्ड होता है. हमारा डायमंड हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस इन द वर्ल्ड क्या है? डायमंड. ब्रोमीन इज अ लिक्विड बट इज अ व्हाट? नॉन मेटल. ये बातें ध्यान में रखनी है.
As I have mentioned that metals are good conductor of heat and electricity. Metals are good conductor of electricity. इस बात पे थोड़ा सा जोर देने की हम कोशिश करेंगे. The question arises that how the metals can conduct electricity. किसी के पास आंसर है? Can you say that how they are good conductors of electricity? Sir, wrap all these. If you have written, so better take the screenshot. If you have not written, I would like to move ahead. Okay. मेटल्स नॉन मेटल्स का जो डिफरेंस है वो स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन क्रिएट करता है. लेकिन अगर आप आराम से हाथ पे, मान लेते आप एग्जाम में पेन से ही लिखोगे ना, तो उस पेन को अपने हाथ पे रखना और उसको खुद समझने की कोशिश करना उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं. दिमाग में बहुत सारे पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स ऐसे ही आएंगे. आएंगे कि नहीं आएंगे बताओ भाई. अगर सॉलिड है तो उसी से तो 3-4 प्रॉपर्टी दिख रही है. अगर वो सॉलिड इन नेचर हुआ, इफ इट इज सॉलिड इन नेचर, तो हाईली इनकंप्रेसिबल होगा, डेंसिटी बहुत ज्यादा होगा. अभी तो मैंने मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लिखा ही नहीं. अगर डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? हाई होगा. नॉन मेटल गैस का उल्टा कम होगा. आ रही बात समझ? दे विल बी द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? उस चीज को जानने की कोशिश करेंगे. दैट व्हाई metals are good conductors. Why metals are good conductors? Why metals are good conductors of heat and electricity? Of heat and electricity. Of heat and electricity. I'll take the example of sodium only because आपको पता है कि sodium is a metal whose atomic number is 11, whose electronic configuration is 281. So it will stay like this कि K cell में 2 electrons होने वाले हैं, L cell में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 electrons होने वाले हैं और M cell में 1 electron होने वाले हैं. और ये तीनों subcells के electrons का एक ही काम होगा, अपनी मम्मी के अराउंड चक्कर लगाना. और ये मम्मी कौन है भाई? ये उसकी मम्मी कौन है? न्यूक्लियस, जिसके अंदर कंटेन क्या रहता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ये दोनों कंटेन होता है. अंडरस्टूड? सो यहां पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन है तो इसके न्यूक्लियस के अराउंड सारे इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं. ठीक है, तो यहां पे अगर आप चेक करेंगे तो सबका न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इस न्यूक्लियस के साथ. इस न्यूक्लियस के साथ इसका भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसके साथ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. लेकिन जैसे जैसे सबसेल्स इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे सबसेल्स इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे जैसे जैसे सबसेल्स इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो डिक्रीज होते जाएगा. जो न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉरी वो इंक्रीज करते जाएगा. ठीक है, तो इसके वजह से ये वाला नो डाउट ये वैलेंसी का काम तो करेगा. वैलेंसी का काम करना क्या होगा कि इट विल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. लेकिन ये वाला ये उतना तेजी से नहीं काम करेगा जितना, मतलब उतना एक्टिवली काम नहीं करेगा. द रीजन बीइंग कि इसके पास इसके कंपेयर में ज्यादा एनर्जी है, इसके कंपेयर में इसका एनर्जी ज्यादा है, उसके कंपेयर में इसका एनर्जी ज्यादा, तभी तो वो थर्ड सबसेल में है. अगर वो थर्ड सबसेल में है तो उसके पास ज्यादा एनर्जी है और उसके पास इतना एनर्जी होता है कि अगर हम थोड़ा सा भी अगर इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा. इट बिकम्स व्हाट? फ्री इलेक्ट्रॉन. और वो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे आप थोड़ा सा हीट करेंगे तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? लूज कर देगा. एंड इट विल बिकम Na विल बिकम Na प्लस बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन. सिमिलरली मैग्नीशियम भी वही करेगा. ऑन लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इट विल फॉर्म इट्स कटायन, इजंट इट? तो हम कह सकते हैं कि जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं वो कैसा कंपाउंड्स बनाते हैं या बॉन्ड्स बनाते हैं? दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स और आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं और दे हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन्स which can conduct the electricity. हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर में पढ़ के रखा है कि
इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज व्हाट करंट इज, इलेक्ट्रिक करंट इज. इज दैट क्लियर? तो ये मोशन हो गया. एज वेल एज यू कैन से सी दैट ऑन लूजिंग इलेक्ट्रॉन इट गेट्स द पॉजिटिव कैरेक्टर. तो हम क्या कह सकते हैं? मेटल्स आर जनरली इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर. कह सकते हैं ये कैसा होता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर होता है. How to find it out? अगर वो मेटल है तो obviously it will have the losing capacity. उसके पास losing capacity होगी, इसलिए जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो वो cation फॉर्म करेगा. So its name is what? Electropositive. Clear है? When we talk about the non-metals, तो non-metals में क्या हो जाएगी? Gaining properties हो जाएगी. It will have the gaining property. जैसे हमारा oxygen का देखें, तो O2 minus ions का formation करता है. Isn't it? Similar, पहले आप देखिए कि it has what? O. तो इट हैज 2-6 भाई इसका आपस बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन बच गया? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दो को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो वो दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके क्या बन जाएगा? ऑन टेकिंग टू इलेक्ट्रॉन्स इट विल बिकम O2 माइनस, मींस व्हाट? 2 H फॉर्म करेगा. सल्फर भी वैसे ही करेगा. क्लियर? कार्बन एक शक्ल कैसे वो म्यूचुअल शेयरिंग करता है. ठीक है, तो दैट इज व्हाट डिफरेंट थिंग. आ रही बात समझ में आप लोगों को? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. चलिए तो हम लोग आगे बात करते हैं. दैट ये कैसा हो गया? हमारा इलेक्ट्रो नेगेटिव हो गया. द रीजन बी ओ प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो ओ टू माइनस बनेगा और ये कैसा हो जाएगा? इलेक्ट्रो नेगेटिव. सो यू विल से दैट नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर. और कैसा आयन बनाएगा ये? इट विल फॉर्म अनायंस बिकॉज दे टेक इलेक्ट्रॉन, दे गेन इलेक्ट्रॉन्स और ऑन गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स वी गेट द नेगेटिव चार्ज. सो दैट इज ठीक है. चलिए तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं. उसके बाद हम लोग इसके मेटल्स के और नॉन मेटल्स के नेचर के बारे में बात करने वाले हैं. ठीक है, चलो अब दिस राइट इट फास्ट. स्टूडेंट्स done. Okay, I'm rubbing it now. जैसे जैसे हम लिखते हैं आप मेरे साथ साथ अगर लिखते जाओगे तो आपको और भी बेटर समझ में आएगा. या फिर एक और ट्रिक, जब मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूं तब आप लिखो मत, पर जैसे मेरा फेस बोर्ड की तरफ हो लिखना शुरू कर दो. दिस कैन बी अ ट्रिक. वैसे भी किसी भी स्टूडेंट को एक गुड लिसनर होना जरूरी है. योर eyes and ears must be active every time, then only you will be able to accommodate yourself. Otherwise, जो लेक्चर 40 मिनट का होगा वो 2 घंटे का बन जाएगा. सर मैंने पहले लिखा, पहले आपने एक्सप्लेन किया, लिखने का टाइम दो, तो टीचर भी तो सो जाएगा ना खटिया लगा के. तो इन चीजों पे ध्यान. ओके स्टूडेंट्स, चलो मूव करते हैं अबाउट द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स फॉर्म बाय द मेटल. फिलहाल तो यहां मेटल लिख ही गया, मेटल ही लिखता हूं. एंड हियर आई एम राइटिंग द नॉन मेटल्स. डिफरेंस अभी भी खत्म नहीं हुआ स्टूडेंट्स, अभी चलेगा. ओके, सो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द ऑक्साइड्स फॉर्म बाय द मेटल्स. जब मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म करेगा तो ऑक्साइड कब बनता है? जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड्स बनाएगा. सिंपल. व्हेन दीज मेटल्स विल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन दैट विल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? मेटल ऑक्साइड. वो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड बनाएगा. जब नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा?
it will form non-metallic oxides. आ रही बात समझ में? अब कौन सा मेटल है भाई? मेटल का नाम अगर आपसे मैं पूछूंगा तो ऑब्वियसली आपको नाम तो पता ही होगा कि कौन सा मेटल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। किसी भी मेटल को ऑक्सीजन के साथ आप रिएक्ट कराओ। अब रिएक्शन का मतलब क्या है कि भाई ऑक्सीजन तो हर जगह है और मेरे हाथ में मेटल, तो क्या वो रिएक्ट कर रहा है? तो मेरा आंसर है नहीं। देयर मस्ट बी कंबशन, वो जलना जरूरी है, वो कैचेस फायर होना चाहिए, वो आग उस पर लगे तभी वो रिएक्शन होगा। अदरवाइज हर जगह तो मेटल रिएक्ट ही करते फिरेगा फिर, तो फिर मेटल्स का हम लोग यूज ही कहाँ कर पाएंगे? आ रही बात समझ में? तो ये कुछ कुछ कॉमन सेंस यूज करना जरूरी है, और अगर नहीं भी यूज कर सकते कोई बात नहीं, मेरे लेक्चर को ध्यान में रखिएगा, चीजें आपको क्लियर समझ में आएंगी। ओके, नाउ द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स विच ऑक्साइड्स? मेटलिक ऑक्साइड्स फॉर्म बाय द मेटल ऑक्साइड्स, तो उसको मेटलिक ऑक्साइड्स भी बोलते हैं। ठीक है, सपोज यू आर हैविंग सोडियम, तो ये Na प्लस और ये O2 माइनस आयन से रिएक्ट करेगा, इतना तो समझ में आता मेरे को। नहीं, इससे पहले हम लोगों ने ये Na प्लस कब बनेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और O2 माइनस आयन कब होगा, जब वो एक दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। So what they will form Na2O. यहाँ पे balancing का काम आपको खुद करना है। Balancing का काम आप खुद करोगे, ठीक है? ये already आप लोगों ने balanced chemical equation में मैंने एक video बना के रखा है, आप जाके आप वहाँ पर सर्च करोगे शिक्षा साइंस अकेडमी में, तो ये video आपको chemical reaction and equation से ये मिल जाएगा, वहाँ पर चेक कर सकते हो। I'm not doing the balancing right now here. तो ये बना आपका metallic oxide, sodium oxide का formation हुआ। Similarly, अगर आप Mg2 plus ions को आप O2 से react कराओगे, so it will lead to the formation of what? MgO. Generally, 2MgO का formation होता है. Okay, आप चाहो तो यहाँ पे 2N, अगर आप चाहो तो balance में ऐसे कर दो, ठीक है? Okay, तो ये जो oxides बना, ये जो metallic oxides बना, अगर देखा जाए तो इनका nature कैसा होता है? They are basic in nature. कैसा nature होगा? They will be basic in nature. But the question arises कि क्या सारे metals basic होते हैं? आप कहोगे हाँ, मैं कहूंगा ना, ऐसा नहीं होता। तो किन किन properties पे depend करता है कि कुछ metals, metallic oxides जो बना रहे हैं वो हमारा basic हो या acidic हो? तो लेट्स टॉक अबाउट कुछ एक्सेप्शंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है? यहाँ पे एक्सेप्शंस बहुत हैं। ओके, चलो तो बात करते हैं। सबसे पहला जो मेटलिक ऑक्साइड्स विच आर बेसिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर, मेटलिक ऑक्साइड्स विच आर एसिडिक इन नेचर, उनमें से कुछ है जैसे CrO3, MN2O7, दिस इज N, ओके, दिस इज N। ये दो एक्सेप्शन है जो कि एसिडिक नेचर होते हैं। कुछ कुछ ऐसे मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं जो कि एम्फोटेरिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एम्फोटेरिक। ये नाम आपने सुना होगा कहीं पे, लेकिन पता नहीं होगा शायद कि ये क्या है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है? जनरली जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक एज वेल एज एसिडिक नेचर को शो करते हैं, दोनों ही नेचर को शो करते हैं, एसिडिक एज वेल एज बेसिक। और इनमें सबसे बड़ा महारथी हमारा अल्युमिनियम साहब है। अल्युमिनियम इसमें बहुत माहिर होता है, जैसे अल्युमिनियम, लीड एंड जिंक। अल्युमिनियम क्या करता है, ये Al2O3 का फॉर्मेशन करेगा, अल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्म करेगा, ये लीड ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, और ये जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, और ये तीनों का तीनों
are amphoteric oxides which shows the basic as well as what acidic characters. आ रही बात समझ? Okay, now moving ahead towards the non-metals. Non-metals का जो formation है वो S plus O2 बनाएगा हमारा SO2. C plus O2 क्या बनाएगा? CO2. उसी तरीके से नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. और ये जनरली ऑल दीज आर व्हाट? एसिडिक इन नेचर. दे आर व्हाट? एसिडिक इन नेचर. तो जनरली अगर आपको डिफरेंशिएट करने के लिए बोलेगा हाउ टू डिफरेंशिएट वेदर इट इज अ मेटल एंड दिस इज अ नॉन मेटल, तो आप बोल सकते हो दैट वी कैन गेट द मेटल by testing is by testing its presence by testing the blue litmus paper. Agar red litmus to blue hua to wo basic nature hua, blue litmus to red hua to wo acidic nature ka hua. Ye aap logo ne olfactory indicators ke bare mein to padha hai, understood? To ye cheeze hain, theek hai. Yahan pe bhi kuch exceptions hai jo ki neutral hote hain. Maine kaha na exceptions bahut hote hain. कुछ न्यूट्रल्स होते हैं. न्यूट्रल में जैसे हमारा हो जाएगा वाटर, जैसे हमारा हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. दीज आर द एक्सेप्शंस विच आर टोटली न्यूट्रल इन नेचर. तो पूरी तरीके से क्या होता है? न्यूट्रल. आ रही बात समझ में? दीज आर द डिफरेंस ऑफ द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स मेड बाय metals as well as what? Non-metals. आ रही बात समझ में आप लोगों को students? चलिए इसके बाद हम लोग एक और question को करेंगे जिसपे I'll ask you that what will happen to the metal when it reacts with the water. जब पानी से react करेगा हमारा metals तब क्या reaction होगा उसको करेंगे. तब तक के लिए screenshot ले लें इसका. Okay, done. Speed up your writing students, keep on writing. रब कर दूं. राइटिंग अगर गंदा लगे तो उसके लिए थोड़ा माफ कर देगा. राइटिंग एक ऐसा चीज है जो एक उम्र के बाद ठीक नहीं होती. मानते हैं इस बात को आपको? कमेंट सेक्शन में मत मान जाना, ठीक है? ओके, द क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर. व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट्स विद वाटर. जब वाटर के साथ मेटल का रिएक्शन होता है तब क्या होता है, उन चीजों को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे. चेंज द चॉक फर्स्ट. उसको समझने के लिए हम लोग एक रिएक्टिविटी सीरीज जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है उस रिएक्टिविटी सीरीज को लिखेंगे और उसको हम लोग याद भी करेंगे. याद करने का जो तरीका होगा वो बहुत एक यूनिक तरीका है, आप चाहें तो आराम से उसको याद कर सकते हैं, ठीक है? क्या बोलेंगे आप लोग? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड एंड हाइड्रोजन, ठीक है? हाइड्रोजन नीचे तक दिख रहा है क्या? यहां तक दिख रहा है? ओके, हाइड्रोजन. फिलहाल यहां पे हाइड्रोजन तक ही लिखते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और करेंगे. इसको याद करने के ऐसे और भी है हमारे नीचे, हमारा फिर कॉपर है, सिल्वर है, हमारा प्लैटिनम है, गोल्ड है, मैंने मोर आ गया, ठीक है? बात करेंगे अभी और रिएक्टिविटी सीरीज से नाता नहीं छूटने वाला है, ये दिमाग में रखिए. तो लिखेंगे उसको, बोर्ड मेरा बड़ा है फिर भी छोटा है. ओके चलो, तो बात करते हैं इसको याद कैसे किया जाए. पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, कौन पहले आता है कौन बाद में आता है, तो इसको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक है जिसको आप लोग आराम से याद कर सकते हो.
बिकॉज अगर आप लोगों को किसी मूवी का डायलॉग बोलने के लिए बोला जाए तो आपको आराम से याद हो जाते हैं। शोले का आज भी है, कितने आदमी धिक्का लिया सरदार की फिर भी खाली हाथ, है ना, वो चीज। चलिए याद करने का तरीका क्या है, आप इसको ऐसे लिखेंगे, केदारनाथ फिल्म देखा है, हाँ तो केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। मजा आया, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, दिस इज द वे यू कैन लर्न इट। अब आप लोग खुद बोल सकते हो, बोल सकते हो कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, तो क्या कभी भी रिएक्टिविटी सीरीज आप भूलोगे? अरे भाई एक मूवी का डायलॉग की तरह याद कर लो, हो गया। क्या बोलना है भाई, आप जैसे मान लो आप मम्मी किचन पे, आप वहां पे पानी पीने गए और जाके मम्मी को बोले, लेकिन मम्मी आपको पता है कि केदारनाथ का जो माली है वो आलू जरा फीका पकाता है, बोले क्या बोल रहे हो, बोले आई एम सेइंग दैट पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम जिंक एंड ऑल, बोले कि इधर कम ये एक झाप और तुम बाउंस करके उठोगे, अंडरस्टूड? नहीं, लेकिन उसे एक चीज होगा, बाउंस करके उठ के फिर से याद आ जाएगा दैट यू हैव लर्न द रिएक्टिविटी से। अब ये क्यों जरूरी है इतना याद करना, उस चीज को तो जानना जरूरी है। चलो तो वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे, हमारा ये है कि क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, जब वाटर से रिएक्ट करता है तब चीजें क्या होने वाली, याद है? क्या मैं कहूं कि ये पोटेशियम और ये सोडियम रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत ऊपर, आप ऐसे देखो तो ये इधर ये जो एरो है ये वो क्या है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स का, ये मोस्ट है उसके बाद ये और ये लीस्ट है, इससे और भी नीचे है वो छोटा पड़ेगा, ठीक है? चलो ठीक है आगे, पोटेशियम एंड सोडियम वी कैन सी दैट बोथ आर मोस्ट रिएक्टिव व्हाट मेटल्स, बोल सकते हैं क्या? अगर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है तो क्यों ये मोस्ट रिएक्टिव है, बिकॉज आप कह सकते हैं कि दोनों के आउटर मोस्ट बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, एक सोडियम का भी एक है पोटेशियम का भी एक है, लेकिन पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है, रीजन बीइंग उसके नंबर ऑफ सबसेल्स ज्यादा है, अगर उसके नंबर ऑफ सबसेल्स ज्यादा हैं तो वो ज्यादा रिएक्टिव है। आ रही बात समझ में, ये इतना रिएक्टिव है कि इट कैन रिएक्ट विद इवन द कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट्स विद इवन कोल्ड वाटर, ये ठंडे ठंडे पानी से भी नहा लेता है, और हम कैसे नहाते पता है, नल के सामने खड़ा हो जाते और ठंड में, ठंड में आई यूज टू से नल को क्या बोलते, नल को बोलते त्वम स्नानम मम स्नानम, मतलब तू नहा लिया मैं नहा लिया, कुछ वैसा पानी नहीं, आप लोग ऐसा नहीं करिएगा, बात है अंडरस्टूड? चलो ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग दैट मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स इट रिएक्ट्स विद द कोल्ड वाटर, द रीजन बीइंग इसके आउटरमोस्ट वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लियर है? ओके, उसके बाद इसके रिएक्शन को देखेंगे, जैसे पहला पोटेशियम का, पोटेशियम को अगर आप वाटर से रिएक्ट करोगे तो आपको जो मिलेगा वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा और साथ में हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन होगा। सिमिलरली जब आप सोडियम को रिएक्ट कराओगे वाटर के साथ तो इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और वो हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन करेगा, और ये इतना ही नहीं, इसके साथ बहुत एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट का भी प्रोडक्शन करता है, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट का प्रोडक्शन करता है। कहना क्या चाहते हैं भाई, हम कहना ये चाहते हैं कि मान लेते हैं कि यू आर हैविंग अ ग्लास टम्बलर, उस पे पानी भरा हुआ है, उस पे पानी भरा हुआ है, आपने जैसे ही पोटेशियम को डाला ये वाइगरसली रिएक्ट करेगा, कैसे, वायलेंटली रिएक्ट करेगा, ये इतना वाइग्रस रिएक्शन करेगा कि जो हाइड्रोजन ये इवॉल्व करेगा वो हाइड्रोजन गैस इसके अराउंड छोटा छोटा बबल्स के फॉर्म में
शेप ले लेगा और इसको बलून जैसा पैक कर देगा। और हमको पता है कि हाइड्रोजन इज टोटली इनसॉल्युबल इन वॉटर होता है, पता है ना, हाइड्रोजन वॉटर में मिक्स नहीं होता। जब वो मिक्स नहीं होगा तो वो क्या करेगा, बाहर जाने की कोशिश करेगा। जब वो बाहर जाएगा तो बाहर उसको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। लेकिन ऑक्सीजन से कोई कंबाइन नहीं करता, ऑक्सीजन से कंबाइन तभी कोई चीजें करती जब उसके साथ क्या होगा, हीट होगा। तो क्या ये हीट लेके आ रहा है, रहा, आई एम ब्रिंगिंग द हीट, पार्टी रेडी रखो। तो वो हीट लेके पहुंचता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और साथ में वो क्या करता है, पोटेशियम को भी ऊपर ले जाता है। जब वो पोटेशियम को ऊपर ले जाएगा तो क्या हम कह सकते हैं कि पोटेशियम इज फ्लोटिंग ऑन टू द सरफेस ऑफ वॉटर। यस, सो इट फ्लोट्स ऑन टू द वॉटर, इट फ्लोट्स onto the surface of water, onto the surface of water. क्या यही reaction sodium के साथ भी होता है? तो मेरा answer है हाँ होता है। भाई देख लो, इसमें भी heat का production हो रहा है, इसमें भी hydrogen का evolution हो रहा है, तो ये भी क्या करेगा, सोडियम के अराउंड हाइड्रोजन गैस का एक बबल फॉर्मेशन करेगा बहुत सारे छोटे छोटे, और वो उसको मिलके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए ऊपर जाएगा। वाइगरेसली वो हीट को लेके सोडियम को लेकर ऊपर जाएगा। मतलब कहना क्या चाहते हैं, सोडियम भी फ्लोट करेगा, और सिर्फ फ्लोट नहीं करेगा, ये एक एक्सप्लोजन करेगा, मतलब ये इट कैचेस फायर। कहां लिखो, इट कैचेस फायर, आग लग जाती है इस पे। बोला सर, हाँ जानते हैं, पोटेशियम को पॉकेट से निकालेंगे ना तो भी आग लग जाएगा। अरे क्यों लगता है, द क्वेश्चन इज दैट ओनली, बिकॉज हमारे मॉइस्चर में पहले से एवेपोरेटेड मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल उसका तो प्रेजेंस होता है, तो वो उनके साथ उनका हीट लेके ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, और वो क्या करेगा, जल जाएगा, इट कैचेस। आ रही बात समझ में, रीजन तो समझ में आ रहा है कि पोटेशियम बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, कहां से पता चला, केदारनाथ से पता चला, क्लियर है, ओके। नाउ मूविंग अहेड, उसके नीचे जैसे ही हम जाते हैं, उसके नीचे ही जैसे अगर हम लोग जाते हैं तो विल टॉक अबाउट द कैल्शियम। कैल्शियम का क्या है, कैल्शियम अच्छा आदमी है, ये कैसा आदमी है, अच्छा आदमी है। ये भी रिएक्शन करेगा किसके साथ, रिएक्शन विद कोल्ड वाटर, ये भी कोल्ड वाटर के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, नो डाउट। लेकिन CaH2O के साथ रिएक्ट करने पे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, क्या फॉर्म करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, और साथ में फिर से ये भी हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगा, लेकिन ये उतना हीट का प्रोडक्शन नहीं करेगा कि ये आग लगा दे, है ना, दुनिया नहीं लगा पाएगा। ये थोड़ा शांत दिमाग का है, अभी शांत दिमाग का क्यों, तो इसका आउटरमोस्ट बैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा, है ना, ये उतनी जल्दी एक्टिवली रिएक्ट नहीं कर पाएगा, रीजन भी दैट ओनली। लेकिन ये फिर भी कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा, बिकॉज़ रिएक्टिविटी सीरीज में अभी भी इन सब से तो ऊपर ही है ना, तो इट विल हैव द प्रॉपर्टी टू रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर, बट वो एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट का जो प्रोडक्शन है वो हीट प्रोड्यूस नहीं करेगा। जब वो हीट प्रोड्यूस नहीं करेगा उतना ज्यादा, तो हाइड्रोजन भी इस पे दिलचस्पी उतना नहीं दिखाएगा, है ना, हाइड्रोजन भी उसके साथ दिलचस्पी नहीं दिखाएगा, और वो क्या करेगा, कैल्शियम को छोड़ देगा, और छोड़ देगा तो कैल्शियम का क्या हो जाएगा, इट सिंक्स इन वाटर, वो पानी में क्या हो जाएगा, सेटल डाउन कर जाएगा, बैठ जाएगा। आपने देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा है, अरे भाई मम्मी गई मार्केट, मम्मी मार्केट से लेकर आई कैल्शियम ऑक्साइड, उसको पानी में डाली, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, आप उसको सेटल डाउन करते देखो नीचे सेटल डाउन कर जाता, बैठ जाना, चूना बैठता है कि नहीं बैठता, दैट इज व्हाट द रीजन। समझ में आया, आ रही है क्लियर बात समझ में आ रही, चलो तो आगे बात करते हैं इन सब का। मैग्नीशियम को थोड़ा छोड़ देता हूं और इन तीन बंदरों को देखते हैं, जो इनका नाम रखे होंगे, अगर मेरा वीडियो देखे तो गुस्सा गोली मार देंगे, मेरे ऊपर केस कर देंगे। बंदर बोलता है एल्युमिनियम को, जिंक को और फेरस को,
अरे एक्टिविटी तो वैसे ही है बंदरों वाली। ओके कैसे, हम ये कहना चाहते हैं कि ये रिएक्ट विथ द कोल्ड वाटर तो करेगा ही नहीं करेगा। ये कब करेगा? जब इसको बहुत ज्यादा मनाना पड़ेगा। इतना मनाने आप मनाओगे कि ये क्या बन जाए, स्टीम बन जाए। मतलब बॉयल वाटर में भी नहीं, हॉट वाटर में भी नहीं, इसको क्या चाहिए? स्टीम चाहिए। काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा जब वाइब्रेट करना शुरू करेगा तब जाके ये रिएक्ट करके क्या करेगा, हमारा एल्युमिनियम जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो इट विल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, Al2O3, और फिर हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, इवॉल्व करेगा। जिंक के साथ रिएक्ट करेगा, हाँ जिंक के साथ रिएक्ट करेगा और ZnO का फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा। फिर उसके बाद हमारा आयरन रिएक्ट करेगा H2O से और वो क्या बनाएगा, Fe3O4, साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। ठीक है, जिंक का एक और कहानी है कि जब ये गर्म रहेगा तो इसका कलर कैसा रहेगा, येलो कलर का रहेगा। व्हेन हॉट, जब ठंडा हो जाएगा तो किस कलर का हो जाएगा, व्हाइट कलर का हो जाएगा। ये आ रही बात समझ में? अच्छा एक डिफरेंस दिख रहा है आपको कि जब वो ठंडे ठंडे पानी से नहा रहा था, अरे मैंने कहा इसका, हाँ जब ये ठंडे ठंडे पानी से नहा रहा था तब वो हाइड्रोक्साइड बना रहा था और जब स्टीम से रिएक्ट कर रहा है तो ऑक्साइड बना रहा है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विच टाइप ऑफ मेटल्स रिएक्ट टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स, तो ऊपर वाला जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं वो आपका क्या करते हैं, ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन। आ रही बात समझ में? ये भी चीजें आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन मैं दिमाग में तुरंत स्ट्राइक कर गया कि अगर पोटेशियम बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव है तो वो भी जलेगा, सोडियम उससे नीचे है वो भी जलेगा, तो जो दोनों का जलने का डिफरेंस क्या होगा? कुछ तो डिफरेंस होगा। ये वही डिफरेंस होगा जब आपका गैस पूरी तरीके से भरा रहता है तो आपको लिलिक फ्लेम देता है। कैसा फ्लेम देता है? इट गिव्स यू लिलिक फ्लेम, LILIC, लिलिक फ्लेम देता है, जो आपका थोड़ा सा रेडिश ब्लूइश लाइट रहता है वो देगा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कंबशन हो रहा है, ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा हो रहा है और सोडियम में उससे कम होगा, इसलिए वो कैसा फ्लेम देगा, इट विल गिव यू व्हाट, येलोइश फ्लेम। थोड़ा ज्यादा कचरा तो नहीं हो रहा ना, क्लियर चीजें दिख रही है? ठीक है, समझ में भी आ रहा है कि वीडियो बोरिंग लग रहा है। अरे भाई वीडियो को बोरिंग ना बनाने के लिए मैंने इसे बंदर तक कह दिया, और क्या करूं है, अपने पर केस ले रहा हूं। चलो ठीक है, अब ये पकाता है क्या करेगा भाई, पकाता है और उसके नीचे जो हमारा कॉपर है, हमारा सिल्वर है, हमारा गोल्ड है, प्लैटिनम है, इन सब वाटर से रिएक्ट ही नहीं करते, कोई रिएक्शन ही नहीं करते। आपने देखा कि भी कि गोल्ड को पानी में डाला क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। आज डाला 10,000 साल बाद निकाला, कुछ नहीं हुआ, नथिंग विल हैपन। तो आप देख रहे हैं कि लीस्ट रिएक्टिव, ये रिएक्टिविटी सीरीज एक्चुअली में बहुत ज्यादा आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, अभी भी हमारे पास मैग्नीशियम बचा हुआ है क्या? माली बच गया भाई, मेन आदमी तो यही बोल रहे हैं यार, कहानी देखो केदारनाथ का माली आलू थोड़ा पीका पका, मतलब ही इज द मेन कल्प्रिट देखने में लग रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता, जो पढ़ रहा है उसको ये नहीं पता कि वो फीका क्यों पका था भाई, उसको सामान ही नहीं मिला वो चीज। कहने का मतलब है ये हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, इट रिएक्ट विद हॉट वाटर। रिएक्टिविटी सीरीज को भी देखो ना, ये कोल्ड वाटर से, ये हॉट वाटर से, ये स्टीम वाटर से, नो वाटर से। अब इसको क्या ही दे दोगे, स्टीम के बाद क्या ही दे दोगे तो वो रिएक्ट करेगा, कुछ नहीं। तो ये एकदम पूरा रिएक्ट करने के तैयार, मैंने जैसे बोला 4 बजे सुबह उठा, गुड मॉर्निंग सर, 4 बजे सुबह बोल दिया। ठीक है, अब इशार को बोलेगा कि तुम 9 बजे उठ जाओ, वो 2 बजे तक बोलेगा गुड आफ्टरनून सर, अभी उठे। अरे बात समझ, वो मैंने कहना चाहता हूँ ये लीस्ट रिएक्टिव है इधर वाला,
और ये हाईली रिएक्टिव मॉडल्स। तो चलिए मैग्नीशियम का रिएक्शन देखते, मैग्नीशियम क्या करेगा, हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा, ये हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा और MgOH2 का फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, इवॉल्व करेगा। याद रही है, हॉट वाटर। आ रही है बात समझ में? चलिए, तो ये तो था आपका यहां तक का कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद द वाटर। जब ये वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या कहानी होती है। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि इसका रिएक्शन का क्या होता है जब ये एसिड से रिएक्ट करता है, व्हाट विल हैपन व्हेन इट विल रिएक्ट विद द एसिड्स। चलिए, तो जरा मैं टाइमिंग देख लो कितना टाइम बच गया। ओके, इट्स अराउंड 45 मिनट्स टिल आई हैव स्टार्टेड द वीडियो, इजंट इट। चलिए एक और टॉपिक कर लेते हैं। इसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, उसके बाद खत्म करेंगे। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लिया, कंप्लीटेड। देखो, पढ़ो ऐसा कि एक बार में याद हो जाए, चीजें समझ में आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। Now what happens when metal reacts with the dilute acids? Question है, what happens when dilute acid when metal reacts? When reacts with dilute acids. Dilute acids समझते हो ना? Such acids in which the concentration of water is more as compared to the acids. आ रही बात समझ में? चौक का खपत बहुत ज्यादा होता है, isn't it? चौक खरीद के लिए मैं। Okay, moving ahead, आप लोगों से नहीं बोल रहा हूँ, स्टूडेंट से बोल रहा हूँ। Okay, moving ahead, metal जब कभी भी मेटल्स जब कभी भी डाइल्यूट एसिड्स, अब वो डाइल्यूट कौन से, मिनरल एसिड्स, डाइल्यूट मिनरल एसिड्स के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, इवॉल्यूट करेगा, बाहर निकालेगा, इवॉल्व करेगा। मिनरल एसिड्स में कौन सा मिनरल एसिड सर, वो भी तो क्लियर कर दो। ओके, मैं लिख दे रहा हूं कि डाइल्यूट H2SO4 होना चाहिए या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होना चाहिए। डाइल्यूट HNO3, गलती से भी मत लीजिए, डोंट एवर ट्राई टू टेक HNO3। अगर HNO3 लिया तो फिर आप दोबारा और कोई एसिड लेने लायक नहीं रहोगे, सो गलती से भी HNO3 को नहीं लीजिए। अल्टेल्यू कुछ क्वेश्चंस भी हैं इससे रिलेटेड कि व्हाई HNO3 इज नॉट यूज्ड फॉर रिएक्शन विद द मेटल्स, ठीक है, एज वेल एज वाटर में भी इसको यूज नहीं किया जाता, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डील करें। फिलहाल तो ये जानेंगे कि क्या क्या रिएक्शंस होगा। अगर मान लेते डाइल्यूट को यूज करा तो जिंक के साथ आपने देखा, मान लेते Zn, जिंक को आपने H2SO4 से रिएक्ट कराया तो सिंपल से भाई नमक फॉर्म करेगा, जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगा, बहुत बढ़िया भाई। उसके बाद मैग्नीशियम को रिएक्ट करके देख लो, MgH2SO4 से रिएक्ट करेगा तो ये MgSO4 रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, इवॉल्व करेगा। अल्मोनियम के साथ देख लो, अल्मोनियम H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो ये Al2SO4 3 का फॉर्मेशन करेगा। बैलेंसिंग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, पहले भी मैं बोल चुका हूं, क्लियर है। अगर अगर मैं इसे अल्मोनियम को HCl के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो AlCl3 का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा, ठीक है। अगर मैं देखूं जिंक का HCl के साथ रिएक्शन होगा तो ZnCl2 का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा,
उसके बाद और क्या बचा हमारा, मान लेते हैं कि मैग्नीशियम के साथ HCl का रिएक्शन मैंने कराया तो MgCl2 का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। इन सारे रिएक्शन को देख सकते हैं, इनमें एक सिमिलरिटी है दैट ऑल दीज आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब इसमें क्या इवॉल्व होगा, इसमें हीट इवॉल्व होगा, दैट इज व्हाट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है, बातें समझ में आ रही है? नाउ इनमें भी हम लोग थोड़ा केदारनाथ का यूज कर लेंगे, ठीक है? क्या था केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, उसके बाद थोड़ा और लिख लूं, उसके बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट है आपका, क्या ये फिर से केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, यहीं पे है लिख लेते हैं, थोड़ा सा चेंज होते हैं सर, यहां से लिखना है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट है आपका, का कुछ लगा लो परोस के देगा तेरे को सारा एलिमेंट्स है, सारा एलिमेंट तेरे को परोस के मिलेगा, ऐसा थोड़ी होता है। ये तो चीजें याद करने के लिए कुछ भी सेंटेंस को फॉर्म करो, ठीक है? अब इन सारों का रिएक्शन सब देखें, पहले इतना आप लिख लो, इन सारा का रिएक्शन सब अगर हम लोग देखेंगे कि किसके साथ वाइगरसली रिएक्ट करेगा, ठीक है? ये वाला पोर्शन रब करूं क्या, क्योंकि यही पे मैं बताना चाहूंगा, रब करो, ओके चलो बोल दी, ओके रबिंग ऑन दी। हाइड्रोजन से ऊपर के जितने भी रिएक्टिव मेटल्स हैं, हाइड्रोजन के ऊपर, किधर है हाइड्रोजन हमारा, हाइड्रोजन से ऊपर के जितने भी मेटल्स हैं सब अगर एसिड से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व करेगा, और उसके नीचे के जितने भी हैं वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आता भी है। नेम दोज एसिड्स व्हिच रिएक्ट्स विद एसिड्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, ठीक है? तो उनमें से कुछ एग्जांपल दे दीजिएगा, हो गया कहने का काम, ठीक है? तो इस बात को मैं यहां पर लिख ही देता हूं, these elements or these metals liberates hydrogen gas when they react with acids, ठीक है? और ये नीचे वाला they doesn't react acid to form hydrogen gas, clear? तो इसी के बेसिस पे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा कि मान लेते हैं कि आपके पास HCl एसिड है और ये डैश HCl dash, ठीक है? कहीं पे ऐसा दिया और कहीं पे ऐसा दिया, ठीक है? तो क्या यहां पे करना है, यहां पे आपको हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन को शो करना है, तो यहां पे मान लेते हैं Fe आपने पुट किया, तो Fe देख लो कहां पे है, इट इज In this box where hydrogen gas evolve होगा, तो it will lead to the formation of FeCl2 और hydrogen gas क्या हो रहा है, evolve हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे अगर आप use करते हैं magnesium, तो ये MgCl2 का formation करेगा और hydrogen gas का evolve करेगा। Copper देखो,
तो इस बॉक्स में आता है, मतलब ये हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व बिल्कुल भी नहीं करेगा, मतलब ये रिएक्शन ही नहीं होगा। और सोडियम के साथ, सोडियम इस बॉक्स में तो आता है, लेकिन सोडियम का, ध्यान से इधर, सोडियम का कभी भी एसिड के साथ रिएक्शन गलती से भी मत कीजिएगा, वरना ब्लास्ट कर जाएगा। रीजन यहां पे वेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड, ये वो कहा, क्लियर है? सोडियम के साथ कभी रिएक्ट नहीं करेगा ये HCl, HNO3 का तो बात ही छोड़ो। और HNO3 से एक दिमाग में आ गया कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा कि HNO3 अगर मान लेते हैं कि रिएक्ट करेगा, मेटल्स अगर डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट किया अगर, तो वो क्या हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा? तो ये है नहीं। अगर आपने ऐसा लिखा तो ये आंसर गलत हो गया। ये हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है, लेकिन कब करता है? जब वेरी 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 डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होता, मतलब 99% वाटर मिक्स हो और 1% का अगर आपने नाइट्रिक एसिड मिक्स किया है, तब जाके सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ ये हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन करेगा। आ रही बात समझ में? चलो, तो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, कैन वी ऑब्टेन हाइड्रोजन गैस विद डाइल्यूट HNO3 एवर? तो आंसर क्या होगा? यस, व्हेन मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट्स विद वेरी 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 डाइल्यूट HCl, ब्रैकेट में 1% ऑफ HNO3 एंड 99% ऑफ वाटर, देन ओनली इट लिबरेट्स बोथ हाइड्रोजन गैस। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? ये बातें आपको दिमाग में रखनी है। ओके, आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप द थिंग्स यू हैव बीन क्लियर टू। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टुडे।